गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हमारी खत्म हो गई थी, है ना? आज हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। यस सर, हो रही है। दो मिनट वेट करते हैं, उसके बाद मैं मीटिंग रूम वेटिंग कर दूंगा, है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट करते हैं दो मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। पुराना किसी को कुछ डाउट है क्या? एरर कंट्रोल जो हमने टेक्निक्स देखी उसमें किसी को कुछ डाउट है? सर, हाँ सर, जो अभी जो लास्ट टाइम क्या, हेलो हाँ हेलो सर, जो अभी हमने लास्ट मेथड पढ़ी थी उसमें जो रिडंडेंसी बिट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही सर, वो जो फॉर्मूला था ना उसमें। देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 to the power r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1, यही फॉर्मूला था? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डेटा दिया है 10 बिट का। कितने बिट का? 10 बिट का। 10 बिट इक्वल टू 10। 10 मतलब 10101। रुको यार, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, आपको m इक्वल टू 10 दिया है, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। तो m प्लस r प्लस 1 ये आपका फॉर्मूला था। अब आपके पास ये डेटा है, आपको क्या निकालना है? इसके साथ में मुझे कौन सी रिडंडेंसी बिट अटैच करूंगा वो मैं निकालूंगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। अभी मुझे आर की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर देता हूँ। बेसिकली आर की वैल्यू मुझे पता है, 3 तक तो सेटिस्फाई वैसे ही नहीं हो रही है, क्योंकि 2 to the power 3 होगी 8 और यहाँ ऑलरेडी 10 है। मैं 4 अप्लाई करके देखता हूँ, यहाँ आता है 2 to the power 4 16, और ये 10 प्लस 4 प्लस 1 कितना आया, ये 15। तो ये 16, यस सर, सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आर इक्वल टू 4 आ गया, मतलब मेरी रिडंडेंसी बिट्स कितनी होंगी, 4। अब उन रिडंडेंसी बिट्स को मैं अटैच कैसे करूंगा, लगाऊंगा कहाँ कहाँ? तो मुझे पता है, अब देखो टोटल बिट कितने हो गए, 10 तो मेरे डेटा के थे, 4 मेरे रिडंडेंसी के थे, तो सबसे पहले तो मैं 14 बिट
यहाँ लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. ये आ गए 14 बिट्स हमारे। अब हमने देखा था कि मेरे जो रिडंडेंसी बिट्स हैं उनको मैं किन पोजीशंस पे रखूंगा, 2 की पावर पोजीशंस पे, जहां जहां 2 की पावर है उन पोजीशंस पे। तो 2 की पावर 0 सबसे पहले मतलब फर्स्ट, तो ये हो गया मेरा R1। 2 की पावर 1 मतलब सेकंड पोजीशन, तो ये हो गया R2। 2 की पावर 2 मतलब फोर्थ पोजीशन, तो ये हो गया मेरा R4। 2 की पावर 3 मतलब 8th पोजीशन, ये हो गया मेरा, और यहाँ पे R8। अगली 2 की पावर पोजीशन कौन सी है, 2 की पावर 4 दैट इज 16। क्या यहाँ पे 16 है? नहीं है। और वैसे भी मेरे पास R कितना था, 4, और ये चारों रिडंडेंसी बिट मैंने यहाँ पे अटैच कर दी, और जो भी मेरा डेटा था वो यहाँ आ जाएगा 1011 0011 01। ये एग्जांपल, ये बन गया है आपका एक्चुअल कोड वर्ड डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट्स के साथ में। सर, सर आपने ये R1 R2 कैसे रखा, एक बार फिर से समझा दीजिए। पावर पोजीशन आपने क्या करा, बिट्स अरेंज कर दी, बिट की पोजीशन स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से लेकर 14 बिट है, और बिट की पोजीशन को आप क्या करोगे 2 की पावर में काउंट कर लो। 2 की पावर 0 क्या होगी, 1। 2 की पावर 1 क्या होगी, 2। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। तो हमें जो रिडंडेंसी बिट्स हैं उन पोजीशंस पे रखना है जो 2 की पावर पोजीशंस। तो 2 की पावर पोजीशन कौन कौन सी होती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यही होती है 2 की पावर। यस सर, यस सर। तो वहां पे हमने रिडंडेंसी बिट्स को रखा है। अगर मेरा डेटा 17 बिट्स का होता मान लो, तो यहाँ पे एक 15 आता और 16 आता, यहाँ पे रिडंडेंसी बिट एक और आ जाती 16 पे। क्लियर है? यस सर। ये हमने देखा था। अब हमें क्या करना है, अभी हमें रिडंडेंसी बिट्स की वैल्यू पता नहीं है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। एरर कंट्रोल टेक्निक्स, एरर करेक्टिंग टेक्निक थी ये वाली, कौन सी थी, क्या नाम था इसका, नाम क्या था इसका, हैमिंग कोड। हैमिंग कोड, हैमिंग कोड। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं चौथी जो हमारा फंक्शन था, चौथा फ्रेमिंग देख लिया हमने, सर्विस प्रोवाइडेड देख लिया हमने, एरर कंट्रोल देख लिया हमने, अब हम देख रहे हैं फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या था, एक मैंने सिंपल डिस्कस किया था, क्या था फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या था, फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या था कि सेंडर किस स्पीड से डेटा भेज रहा है उस स्पीड से रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, ये सिंपल हमने देखा था। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, अब हम इसमें टेक्निक्स देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल किस तरह से होता है। जैसे हमने एरर कंट्रोल टेक्निक देखी है ना, हमने फ्रेमिंग के मेथड्स देखे, अब हम इसमें फ्लो कंट्रोल की टेक्निक देखेंगे। जैसे क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर द डेटा ओवरवेल्म्स द रिसीवर। ओवरवेल्म्स मतलब उतना डेटा जब तक रिसीवर को भेजना है जितना डेटा रिसीवर एक्सेप्ट कर पाए। जैसे ही रिसीवर बोल देगा कि अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, नाउ आई एम ओवरवेल्ड, तब तक डेटा, तब उसको डेटा को स्टॉप कर देना है। क्लियर है? रिसीविंग डिवाइस की क्या है, कुछ लिमिटेड स्पीड है, रिसीविंग डिवाइस हैज लिमिटेड स्पीड, लिमिटेड मेमोरी टू स्टोर द डेटा, देयरफॉर द रिसीविंग डिवाइस मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म द सेंडिंग डिवाइस टू स्टॉप द ट्रांसमिशन टेम्पररीली बिफोर द लिमिट्स आर रीच्ड। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए बफर, ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी
फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। तो क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में सेंडर कुछ डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब कई बार क्या होता है, सेंडर की स्पीड फास्ट है, एक सेकेंड में सेंडर चार डेटा भेज रहा है, चार फ्रेम, और रिसीवर एक सेकेंड में दो ही फ्रेम एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो बाकी दो फ्रेम को क्या करता है, वो बफर में स्टोर करके रखता है जब तक बाकी दो फ्रेम को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होगा, बफर भी फुल हो जाएगा, तो रिसीवर तब क्या करेगा, सेंडर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया आप रुक जाओ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर डेटा। तो उसको टेम्परली थोड़ी देर के लिए अपना ट्रांसमिशन को स्टॉप करना पड़ेगा, क्लियर है? और फिर वापस से जब रिसीवर बोलेगा तब उसको भेजना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। इट इज़ ए प्रोसीजर दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर द डेटा ओवरवेल्म्स द रिसीवर, क्लियर है? है ना? तो हमें बेसिकली फ्लो मेंटेन करना है, जो हमारे डेटा का फ्लो है वो प्रॉपरली फ्लो हो सेंडर से रिसीवर के बीच। दो मेथड हम अप्लाई करते हैं इसमें, एक होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और एक होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। टू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। फर्स्ट वन इज स्टॉप एंड वेट और दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। तो हम देखते हैं इनको कि क्या होता है स्टॉप एंड वेट और क्या होता है फ्लो कंट्रोल। सबसे पहला है हमारा स्टॉप एंड वेट। इन द स्टॉप एंड वेट मेथड द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट आफ्टर एवरी फ्रेम इज सेंड। सेंडर क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, कि सेंडर डेटा को भेजता है, यहाँ पे मेरा सेंडर है, वो क्या कर रहा है, एक फ्रेम को भेज रहा है। अच्छा, ये फ्रेम ऐसा डायरेक्शन क्यों है, ऐसा डायरेक्शन क्यों नहीं है फ्रेम का, कौन बताएगा मुझे? यहाँ से फ्रेम सेंड हुई है और यहाँ पहुंची है, ऐसा क्यों है? मैं हमेशा टाइम के लिए सर, टाइम का डिफरेंस तो एक्चुअल डायग्राम देखते हो तो आप क्या मान लो, उसने 0 सेकंड पे चालू करा, तो यहाँ मान लीजिए कितने सेकंड लगे उसको यहाँ पहुँचने में, फोर मान लो, ठीक है? तो ये टाइम चल रहा है, इसलिए फ्रेम इस तरह से दी हुई है। हमने देखा था ना, रिसीवर क्या करता है, टाइमर मेंटेन करता है, यहाँ से भेजने में उसको इतना सेकंड लगते हैं रिसीवर तक, रिसीवर उसको प्रोसेस करता है, ये डायग्राम वही बता रहा है। तो अभी हम स्टॉप एंड वेट देख रहे हैं। बेसिकली सेंडर ने क्या करा, एक फ्रेम भेजी, फ्रेम का स्टार्टिंग नंबर दे दिया उन्होंने 0, फ्रेम 0 उसने भेजी, रिसीवर के पास पहुंची। ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये क्या है, बीच में गैप क्या है सर? तो उसको कंफर्म करने में रिसीवर के लिए प्रोसेसिंग टाइम एट द रिसीवर एंड, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिसीवर टू प्रोसेस द फ्रेम। और प्रोसेस करने में वो क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है प्रोसेस करते टाइम, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एरर चेक कर रहा है वो, कि जो मेरी फ्रेम रिसीव हुई है उसमें एरर है या नहीं है। और प्रोसेस करने के बाद फिर वो एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, क्लियर है? एक्नॉलेजमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, कि जो फ्रेम आपने भेजी है वो प्रॉपर है या फिर जो आपने फ्रेम भेजी है उसमें एरर है, क्लियर है? और अब फिर थोड़ी देर के लिए सेंडर क्या करता है, जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 0 का मिलता है वो अगली फ्रेम को सेंड कर देता है, क्लियर है? मान लीजिए उसको 10 फ्रेम सेंड करनी है, तो वो जैसे ही फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 0 का रिसीव होगा। तो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिवली सेंडिंग एंड वेटिंग ऑफ ए फ्रेम कंटिन्यूज अंटिल द सेंडर ट्रांसमिट एंड ऑफ द फ्रेम। देखिए सेंडर क्या करा, सेंडर ने फ्रेम 0 सेंड करी, अब इतने टाइम के लिए सेंडर, जब तक फ्रेम 1 तक का टाइम है, उतने टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सेंडर हमारा, बेसिकली क्या है, वेट कर रहा है। सेंडर ने फ्रेम 0 को सेंड करा, सेंडर स्टॉप्स एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। क्या करा, फ्रेम सेंड करी, स्टॉप हुआ और वेट कर रहा है किसका, एक्नॉलेजमेंट का, इसलिए इसका नाम है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। क्या कर रहा है सेंडर, अब मान लीजिए एक नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं, सेंडर वेट नहीं करता, मान लीजिए अगर नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ए से बी पे आपको डेटा भेजना है, आपको 10 फ्रेम भेजनी है, तो आपने 10 की 10 फ्रेम भेज दी, सेंडर ए से भेजता गया फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3,
अब बी के पास क्या हो रहा है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा बी उसको, तो एट बार में क्या होगा, या तो फ्रेम लॉस्ट हो जाएगी, या तो बी तक पहुंचेगी नहीं, बी उसका बफर में मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, या तो वो बीच में ही कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन लॉस्ट हो जाएगा। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उधर से तीसरा पर्सन चिल्ला रहा है ना, तो तीसरे पर्सन की, जिस पर्सन को वो बोल रहा है वो तो किसी और से बात करने में बिजी है, उसकी आवाज सुन पाएगा तो? नहीं सुन पाएगा। ऐसे नेटवर्क नहीं होता है, आप भेजते हैं लेकिन रिसीवर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसमें इसमें क्या होता है, हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, प्रॉब्लम देखिए। तो इसमें क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए। तो पहला प्रोटोकॉल क्या है, स्टॉप एंड वेट। सेंडर ने क्या करा, अपनी फ्रेम को भेजा, अपनी फ्रेम को भेजा, रिसीवर के पास पहुंची होगी। सेंडर सबसे पहले क्या करता है, फ्रेम को भेजने के बाद स्टॉप कर देता है अपनी सारी प्रोसेस और बस वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट जब आएगा कि हाँ मेरी प्रॉपरली रिसीव हो गई है फ्रेम, तब मैं दूसरी फ्रेम को भेजूंगा। इसलिए वो हम क्या बोल रहे हैं, सेंडर सेंड्स द फ्रेम, स्टॉप्स एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है फिर वो अगली फ्रेम भेजता है, फिर अगली फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, फिर जैसे ही उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है फिर अगली फ्रेम भेजता है। और कब तक करता है ऐसा, जब तक सारी फ्रेम सेंड नहीं कर देता, और लास्ट में वो एक भेजता है एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम, ठीक है, अंटिल द सेंडर ट्रांसमिट्स द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन फ्रेम। कब तक इनके बीच में वो चलता है प्रोसेस अल्टरनेटिवली, ये फ्रेम सेंड करने का और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने का, जब तक एंड ऑफ द फ्रेम रिसीव नहीं हो जाता उसको सेंडर की तरफ से। मतलब अब सेंडर आगे और कोई डेटा नहीं भेजना चाहता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा एंड होता है। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। है ना सिम, अभी हम है ना इसके इश्यूज देने ही देख रहे हैं, अभी आप सिर्फ प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है। अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो हम एरर कंट्रोल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी हमने एरर कंट्रोल जो देखा था वो फॉरवर्ड एरर करेक्शन मेथड था, अभी हम ARQ टेक्निक से एरर कंट्रोल देखेंगे आगे, जो इसी का ही पार्ट रहेगा, स्टॉप एंड वेट ARQ जिसको हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिपीट। उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं कि भाई मान लीजिए सेंडर ने फ्रेम भेजी और फ्रेम लॉस्ट हो गई, उस केस में सेंडर क्या करेगा, क्योंकि फ्रेम तो लॉस्ट हो गई ना, रिसीवर के पास पहुंची नहीं, रिसीवर उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो गया यहाँ पे, ये जो एक्नॉलेजमेंट भेजा था ये लॉस्ट हो गया, उस केस में वो क्या करेगा। तो लॉस्ट फ्रेम होती है ना, फिर डैमेज फ्रेम होती है, फिर लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना डिस्कस इतना समझिए कि स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा है। स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा है, एक जैसे मान लीजिए 10 फ्रेम भेजनी है, 10 फ्रेम्स भेजनी है, तो एक एक करके एक एक फ्रेम जाती है, हर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आता है, हर फ्रेम को भेजने के बाद सेंडर क्या करता है, स्टॉप करता है और वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। जब उसको एक्नॉलेजमेंट आता है उस पर्टिकुलर फ्रेम का, तब वो नेक्स्ट फ्रेम को भेजता है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मेथड के, क्या के एडवांटेज तो क्या है, इट इज सिंपल, एज ईच फ्रेम इज चेक्ड एंड एक्नॉलेजमेंट बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम इज सेंड। तो ये सबसे रिलायबल मेथड है कि आप भैया हर फ्रेम को चेक कर रहे हो कि पहुंची है कि नहीं पहुंची है ना, और नहीं भी पहुंचती है तो फिर हम उसको दोबारा सेंड करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं, आप हर फ्रेम को भेज रहे हो उसका एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, सिंपल मेथड है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ इनएफिशिएंट टू यूज, एज ईच फ्रेम मस्ट ट्रेवल अक्रॉस ऑल द वे टू रिसीवर एंड एन एक्नॉलेजमेंट ट्रेवल्स ऑल द वे बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम इज सेंड। तो आप देखिए कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब जब यहाँ से फ्रेम सेंड हुई और जब तक एक्नॉलेजमेंट आया तब तक इस दौरान कितना टाइम वेस्ट हुआ, हुआ कि नहीं? नहीं तो इस बीच में भी बहुत सारी फ्रेम सेंड कर सकता था, सेंडर तो कैपेबल है लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, तो इस कारण से उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, ओवरऑल नेटवर्क की एफिशिएंसी कम हो गई, बिकॉज ईच फ्रेम सेंड एंड रिसीव यूजेस द एंटायर टाइम नीडेड टू ट्रैवर्स द लिंक। ट्रैवर्स मतलब उसको आने जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना ज़्यादा लग रहा है। दिस मेथड इज नॉट
एफिशिएंट। क्लियर है? एडवांटेज क्या है? सिंपल है। और एक और एडवांटेज क्या है? रिलायबल है, कि आप हर हर फ्रेम को एक्नॉलेज करते हो, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फ्लो कंट्रोल में पहला मेथड हमने देखा स्टॉप एंड गेट। अब दूसरा आता है एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो मेथड क्या बोलता है कि इन विच ए सेंडर कैन ट्रांसमिट द सेवरल फ्रेम्स बिफोर गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम्स कैन बी सेंड वन आफ्टर द अनदर ड्यू टू विच कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंट। और ए सिंगल एक्नॉलेजमेंट एसी के एक्नॉलेज मल्टीपल फ्रेम्स। द विंडो कैन होल्ड द फ्रेम्स एट आइदर एंड एंड इट प्रोवाइड्स द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिफोर द एक्नॉलेज। ठीक है, तो इसको डायग्राम से ज्यादा समझते हैं हम। देखिए, अब इस मेथड में क्या होता है कि आप क्या करते हो, सेंडर ए क्या कर रहा है, फ्रेम जीरो को भी इसने सेंड कर दिया, फ्रेम वन को भी सेंड कर दिया, फ्रेम टू को भी सेंड कर दिया। क्लियर है? बी क्या करता है, बी की कैपेसिटी है, वो मान लो 10 फ्रेम तक एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसने क्या करा, इन तीन फ्रेम को एक्सेप्ट करा एक बार में। बी की कैपेसिटी मान लो 10 तो बहुत ज्यादा हो गई, 5 फ्रेम को एक्सेप्ट कर सकता है एक बार में। उसको हम बोलते हैं विंडो, इसलिए इस मेथड का नाम है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो सेंडर के पास भी एक विंडो है, ये जो आपको दिख रहा है शेडेड पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक विंडो। ठीक है, इस विंडो में कितने आपको बिट्स दिख रहे हैं, 3, 3, 6 और 1, 7। तो विंडो साइज सेंडर एंड पे 7 है, रिसीवर पे भी 7 दिया हुआ है। अभी चेंज हो जाता है वो, कोई दोनों जगह सेम होने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्या करा, सेंडर ने 0 फ्रेम सेंड करी, 1 फ्रेम सेंड करी, 2 फ्रेम सेंड करी। रिसीवर ने क्या करा, उन फ्रेम को एक्सेप्ट करा, प्रोसेस करा और एक एक्नॉलेजमेंट भेजा RR3। यहाँ पे कुछ भी अलग अलग बुक्स अलग अलग लिखते हैं, आप इसको समझ लो ACK3। ठीक है, इस ACK3 का क्या मतलब है, रिसीवर बोल रहा है सेंडर को कि आई हैव रिसीव्ड द 0, 1 एंड 2 फ्रेम्स प्रॉपरली, सेंड मी द 3rd फ्रेम। इस एक्नॉलेजमेंट 3 का क्या मतलब है, मुझे 0, 1 और 2 फ्रेम्स तो मिल गई है, आप 3rd फ्रेम को भेजिए। क्लियर है? यस सर। इसमें हर एक फ्रेम, हर एक फ्रेम का इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद आए, और हर एक फ्रेम को इंडिविजुअल भेजने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हमने 2-3 फ्रेम एक साथ भेज दी। ठीक है, और रिसीवर ने भी क्या करा, 2-3 फ्रेम को एक साथ प्रोसेस करने के बाद उसने उन तीनों फ्रेम्स का एक साथ एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंडविड्थ जो हमारी चैनल थी, कम्युनिकेशन चैनल, उसकी कैपेसिटी इतनी थी कि वो 3 फ्रेम एक साथ हैंडल कर सकता है। तो यूटिलाइज हो गई हमारी बैंडविड्थ, जो हमारी पिछले मेथड में वेस्ट हो रही थी, है ना। और रिसीवर ने एक साथ तीनों का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, तो एक ही फ्रेम में क्या हुआ, तीनों का एक्नॉलेजमेंट चला गया। तो ये भी हमारा टाइम बच गया, तीनों के लिए अलग अलग नहीं भेजना पड़ा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ये दो मेथड हमने डिस्कस करे फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बस ये दो मेथड एप्लीकेबल। अब इसमें हम आगे देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उसके लिए। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस कर लो मुझसे। सर सर, जैसे कि अगर इसमें से अगर कोई मिस आती है फ्रेम, सर क्या हो जाता और है? इस लास्ट सर विंडो मेथड में अगर कोई फ्रेम मिस हो जाती है तो सर वो जो रिसीवर रहता है सर वो कंप्लेन करता है क्या रिसीवर एंड से? देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स है, इसी का यूज करके हम एरर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एरर कंट्रोल में बेसिकली हमने अभी जो देखी थी वो थी हमारी फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स। दो तरह से एरर कंट्रोल होता है। ठीक है, एक होता है ARQ टेक्निक और दूसरा होता है हमारा फॉरवर्ड एरर करेक्शन, जो हमने अभी देखा था, जिसमें क्या होता है, रिसीवर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स को रिसीव करता है और कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करके उनको करेक्ट करता है। या फिर एक होता है एड्रेस, ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसमें इन दो टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ,
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ईआरक्यू। स्लाइडिंग विंडो में भी दो होते हैं, एक होता है गो बैक एन और एक होता है सिलेक्टिव रिपीट, वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो बेसिकली उसमें ये यही सारे हम केसेस को डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्कोर सिस्टम ए से अगर सेंड नहीं हुई तो सर डेस्टिनेशन सिस्टम बी को सर कैसे पता चलेगा कि उसने तीन सेंड करी कि दो सेंड करी। इस केस में ए क्या करता है, एक टाइमर मेंटेन करता है। देखो मैं ये वाला एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए ने क्या करा, एक फ्रेम जीरो भेजी, ठीक है। फ्रेम जीरो भेजने के बाद उसने एक टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि मेरे 5 सेकंड में मुझे फ्रेम जीरो का एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे था 0, इन 5 सेकंड में मुझे फ्रेम जीरो का एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। अभी रिसीवर को तो पता ही नहीं है कि उसके पास कौन सी फ्रेम आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने जब ये फ्रेम सेंड की थी तो ये यहाँ कहीं बीच में ही लॉस्ट हो गई, ठीक है। उसने यहाँ 0 से सेंड की थी, कुछ 2 सेकंड पे ये फ्रेम लॉस्ट हो गई, ठीक है। अब रिसीवर तो क्या कर रहा है, यहाँ 5 सेकंड तक वेट करेगा। 5 सेकंड में वो मैक्सिमम टाइम लेके चलता है कि 5 सेकंड में मेरे पास यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए था सेंडर की, रिसीवर की तरफ से। जैसे ही 5 सेकंड पे उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, वो क्या करता है, समझ जाता है कि या तो उसकी फ्रेम लॉस्ट हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण उसकी फ्रेम बी तक नहीं पहुंची, या बी का जो एक्नॉलेजमेंट था वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अभी इतना समझ लीजिए, 5 सेकंड तक उसका क्या हुआ, उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो उस केस में वो क्या करता है, उस फ्रेम जीरो को वापस से रिट्रांसमिट कर देगा। क्लियर है? ओके सर। वो क्या करता है, उस फ्रेम जीरो को रिट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब एक केस तो ये हुआ, एक और केस क्या हो सकता है कि उसकी तरफ से फ्रेम तो पहुंच गई थी, अब जो रिसीवर ने पहुंचा था एक्नॉलेजमेंट वो यहाँ कहीं पे लॉस्ट हो गया। क्लियर है? तो ये वाले केस को हम बोलते हैं लॉस्ट फ्रेम, इस वाले केस को हम बोलते हैं लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? उस केस में भी वही होगा, टाइमर तो उतना ही है 5 सेकंड का, वो 5 सेकंड तक वेट करेगा, उसे नहीं मिलता है तो वो रिट्रांसमिट कर देगा। और जो दूसरी वाली मेथड थी सर, क्या सर जो दूसरी वाली मेथड थी सर, उसमें तो ऐसे रिसीवर को पता ही नहीं है कि वो कितने एक साथ रिसीव करने वाला है, से सेंडर को पता है कि वो कितने सेंड कर रहा था। नहीं तो सर उसमें वो वहां पे भी वही चीज करेगा, तीनों फ्रेम का टाइमर मेंटेन करेगा ना, वो यहां पे जैसे उस मेथड में भी सेम। तो मान लो फ्रेम 0 सेंड करी, फ्रेम 1 सेंड करी, फिर वो तीनों फ्रेम का एक्सेप्ट कर लेगा, इसका भी टाइमर चलेगा, इसका भी टाइमर चलेगा, इसका टाइमर पे अगर एक्सेप्ट। अब देखिए जैसे ही फ्रेम इसको रिसीव करेगा वो, उसको पता है, उसको इतना रहेगा कि विंडो साइज यहाँ पे डिसाइडेड है कि एक बार में 3 फ्रेम एक साथ भेजेगा रिसीवर। तो ये भी हो सकता है कि रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन हो कि एक विंडो साइज में 3 फ्रेम उसके पास आएंगी, तो 3 में से अगर 2 ही फ्रेम आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं अलग अलग, वो हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। तो आप जो यहाँ पे बोल रहे हो कि मान लो फ्रेम 2 मेरी लॉस्ट हो गई, नहीं पहुंची, और ये 2 फ्रेम ही पहुंची, तो रिसीवर जो फ्रेम रिसीव होगी उन्हीं का ही एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, बाकी उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं। ओके, मतलब वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सिस्टम ए को, सिस्टम बी रिसीव करने के बाद कि कितने रिसीव हुए। हाँ, कितने रिसीव हुए। वो क्या करेगा, जो ये फ्रेम भेजेगा इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी कि मुझे यहाँ पे जैसे ये तीनों फ्रेम के लिए था, तो वो लिखेगा फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 आर रिसीव प्रॉपरली, सेंड द नेक्स्ट फ्रेम। अगर इसमें फ्रेम 2 नहीं आएगी तो वो इस फ्रेम में इंफॉर्मेशन डालेगा कि मुझे फ्रेम 0 और फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट मैं भेज रहा हूँ कि ये मुझे ये दोनों फ्रेम मिल गई है। जैसे ही सेंडर चेक करेगा कि इस वाली फ्रेम में फ्रेम 2 का तो लिखा ही नहीं है, मतलब फ्रेम 2 उसके पास नहीं पहुंची। क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एरर कंट्रोल के अंदर आते हैं, फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स, क्योंकि हमें एरर कंट्रोल भी तो करना है भाई। ये एरर ही तो हुआ अगर आपकी फ्रेम नहीं पहुंची भाई, अगर फ्रेम पहुंच रही है उसमें एरर है तो भी वो एरर है, और पूरी की पूरी फ्रेम ही नहीं पहुंची तो भी तो वो एरर ही है ना। यस सर।
है ना, तो हमारी फ्रेम वो एरर कंट्रोल की दूसरी टेक्निक्स आती है जिसको हम बोलते हैं एरर कंट्रोल यूजिंग ARQ, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। हम क्या करते हैं उस केस में सेंडर को रिट्रांसमिट करने के लिए बोलते हैं। वो किस किस केसेस में हम बोलते हैं सेंडर को रिट्रांसमिट करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, जिसमें हम देखेंगे बेसिकली, मैं बता देता हूँ क्या देखेंगे, कि स्टॉप एंड वेट को यूज करते हुए एक स्टॉप एंड वेट ARQ होता है, और स्लाइडिंग विंडो में दो तरह के होते हैं, एक होता है गो बैक एन और एक होता है आपका सिलेक्टिव रिपीट। ये तीन केस हम डिस्कस करेंगे और तीनों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। क्लियर है मंडे को? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, एक मेरा एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना जो नेक्स्ट मंडे को आप करके लाएंगे, जो हमारा एरर डिटेक्शन टेक्निक में से एक आध कोई होगा, देता हूँ, नोट कर लो सभी। एक क्वेश्चन तो लिखिए आप कि राइट द टेक्स्ट टू कंप्यूट द चेकसम इन CRC कोड। ठीक है, राइट द, सर आपकी आवाज कट रही है, एक सेकंड एक सेकंड। ये क्वेश्चन ठीक है, आपको क्या दिया है, एक फ्रेम दिए 1110 1010 1011। ठीक है, ये एक फ्रेम दी हुई है, इसको आप, इसके लिए आपको CRC कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको CRC कैलकुलेट करना है, और आपको पॉलिनोमियल या डिवाइजर क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल फॉर्म में, x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है बेसिकली, राइट द स्टेप्स टू कंप्यूट द चेकसम इन CRC कोड, कैलकुलेट CRC फॉर द फ्रेम, ये फ्रेम के लिए आपको CRC कैलकुलेट करना है, एंड द जनरेटर पॉलिनोमियल इज गिवन एज x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 1। क्लियर है? और जो फाइनल ट्रांसमिटेड फ्रेम होगी आपको फाइनल आंसर वो बताना है, मतलब इस फ्रेम के साथ कौन से CRC बिट्स आप अटैच करके भेज रहे हो वो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। और एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ कि राइट द स्टेप्स टू जनरेट द हैमिंग कोड। ठीक है, और आपको नहीं आवाज़ आ रही, ठीक है, आपको एक बिट है इसके लिए हैमिंग कोड जनरेट करना है विद इवन पैरिटी, जनरेट द हैमिंग कोड फॉर 1111 0011 001, और इसके लिए इवन पैरिटी आपको मान के चलना है। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिया हुआ है, आपको हैमिंग कोड का यूज करते हुए इसको ट्रांसमिट करना है सेंडर से रिसीवर पे, और फिर रिसीवर एंड पे जब ये रिसीव हो, सेंडर से, सेंडर एंड का ही कर लीजिए, सेंडर एंड से क्या कोड वर्ड सेंड होगा। ठीक है, कितने बिट्स का है ये? 4, 8 और 9 बिट्स का डेटा आपको दिया है, तो हैमिंग कोड का यूज करते हुए इसको सेंड करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और आगे की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम आगे आप देखेंगे स्टॉप एंड वेट ARQ, फिर स्लाइडिंग विंडो ARQ के दो पार्ट देखेंगे हम, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। अटेंडेंस एक बार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
कैमरा ऑन कैसे सभी कैमरा ऑन कर लो, मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सब डेटा लिंक लेयर में जो भी हमने डिस्कस करा सेकंड यूनिट में? यस सर। यस सर। यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, तो उस पर भी आप देख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. Good day, sir. Thanks, sir. Bye-bye.